दोस्तों, अगर आप कार ओनर हैं और चाहते हैं कि एक सिटी से दूसरे सिटी में आप जाएं बिना पेट्रोल का पैसा वेस्ट किए, या फिर आपके पास कार नहीं है और आप चाहते हैं कि कार वाली फीलिंग लेकर एक सिटी से दूसरे सिटी में जाएं और खर्चा बिल्कुल आपको बस वाला ही पड़े, तो दोस्त ये वीडियो आप बिल्कुल एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे ही एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जिससे ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बलाबला ऐप के बारे में। और बलाबला एक कार सर्विस एप्लीकेशन है जहाँ पर अगर आप कार ओनर हैं तो आप अपना एक ऐड बना के पोस्ट कर सकते हैं कि कोई भी बंदा अगर उस दूरी पे जाना चाहता है तो आपको वो कॉन्टैक्ट करके आपके साथ जा सकता है, या फिर आपके पास कार नहीं है तो आप इस एप्लीकेशन पे आके जिन्होंने भी ऐड पोस्ट किया है वो देख सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनके साथ ही आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। ये सब कुछ कैसे होता है वो समझने के लिए हम आ जाते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्त, अब आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्त, जैसे कि आप साइड में देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन का इंटरफेस है, ओके। और यहाँ पे मैंने फेसबुक से एंटर कर लिया हुआ है। जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो फेसबुक की आईडी से लॉगिन मांगेगा, ओके। तो आप फेसबुक की आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद जैसे आप देख पा रहे हैं कि सर्च का पहला ऑप्शन दिखा रहा है, ओके। और यहाँ पर पूछ रहा है कि आप कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं, ओके। तो ये आपको यहाँ पे फिल कर देना है, उसके बाद किस दिन कितने बजे आप जाना चाहते हैं और पैसेंजर आपके पास कितने हैं, ये सारा डिटेल आपको फिल कर देना है। ये मैं उस केस में बता रहा हूँ जब आपके पास कार नहीं है, ओके। आपको करना क्या है सिंपली कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जैसे मैं जालंधर सिटी से, ओके, जैसे मैं जालंधर सिटी से जाना चाहता हूँ चंडीगढ़ के लिए, ओके। मैं यहाँ पर जैसे चंडीगढ़ लिखता हूँ और ये आ गया यहाँ पर, ओके। टाइम मैं आज जाना चाहता हूँ या कल जाना चाहता हूँ, कितने बजे जाना चाहता हूँ, ये सब कुछ मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, ओके। ये यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया और इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। पैसेंजर कितने, अगर मैं इंडिविजुअल जाना चाहता हूँ तो एक ही यहाँ पे रहेगा, अदरवाइज मैं ये गिनती को यहाँ पे बढ़ा घटा भी सकता हूँ। तो ये फिक्स कर देने के बाद फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च करने पे कुछ लोगों ने, जो भी अपने जो कार ओनर हैं उन्होंने अपना अपना पोस्ट यहाँ पर अपलोड किया हुआ है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कल के डेट में एक इवनिंग में ये जा रहे हैं, ओके, पवार जी जा रहे हैं, जो मतलब शाम के 4 बजे आप समझ लें, 4:40 पे जाएंगे यहाँ से और 7:10 पे वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ओके। ये 480 रुपये लेंगे अगर दो आदमी जाते हैं इनके साथ। तो सेम ऐसे ही आप देख, और अगर बाकी भी डिटेल आप देखना चाहते हैं इनका तो मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि देखिए कहाँ से मतलब परफेक्ट इनका जो लोकेशन है, किस जगह से ये जाना चाहते हैं, कहाँ पर जाना चाहते हैं, ये भी यहाँ पर दिया गया है। और इनकी रेटिंग देखिए, मतलब यहाँ पे करीब करीब इन्होंने मतलब कितने लोगों को पहुँचाया है और ओवरऑल इनको रेटिंग जो मिला है 4.6 मिला है आउट ऑफ 5, ओके। तो आप समझ लें कि कितना अच्छा इनका रेटिंग भी है। मारुति बुलेनो इनके पास गाड़ी है और ग्रे कलर की है, ओके। तो ये सारा डिटेल आप इनसे देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप इनका पर्सनल डिटेल भी देखना चाहते हैं ये कौन है, तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जैसे फ़ोन नंबर भी इनका वेरीफाइड है, ओके, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर ये देखिए यहाँ पे मैं और क्लिक करके देखता हूँ तो ये देखिए कितने सारे लोगों ने इनको अच्छी रेटिंग दी हुई है, ओके। तो ये सारी रेटिंग को देख के आप मतलब जिनके साथ भी राइड करना चाहते हैं उनका सारा डिटेल देख लें। इसके अलावा आप ये भी चेक कर लें, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है अपना सारा डिटेल कि जैसे दो बंदे इनके मतलब मैक्सिमम बैक सीट पर बैठेंगे और ऑटोमेटिक यहाँ पर अप्रूवल आ जाएगा, नो स्मोकिंग, नो पैट्स, ओके। मतलब अपने साथ आप कोई भी एनिमल वगैरह कैरी नहीं कर सकते, लेकिन उनको नहीं जा सकते। तो ये सारा डिटेल आप यहाँ पे देख लेना है, ओके। साथ में अगर जैसे उनके साथ नहीं जाना चाहते तो देखिए गुरप्रीत जी भी हैं यहाँ पे, उनकी भी रेटिंग 4.5 की है। और यहाँ पे क्लिक करते हैं, उनका टाइमिंग वगैरह आप देख सकते हैं, ये कहाँ से जाएंगे और कहाँ तक पहुँचेंगे, ये सारा डिटेल भी यहाँ पर दिया गया है। पैसे आपको कितना पे करना है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट गुरप्रीत पे आप क्लिक करें। तो यहाँ पे जैसे अभी मैंने अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं किया, लेकिन जब आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेंगे तो उनका कॉन्टैक्ट डिटेल आपके सामने आ जाएगा, ओके। और यहीं से आप उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप देखें इनके पास जो रेनॉल्ट डस्टर इनके पास गाड़ी है वाइट कलर की, ओके। तो अगर आप इनके साथ जाना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर वही आपका मोबाइल नंबर का डिटेल आ गया। तो ये आप एक बार फिल कर लेते हैं अपना जो प्रोफाइल है। दूसरी एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी प्रोफाइल्स होती है ना, जैसे इनका फ़ोन नंबर यहाँ पे वेरीफाइड है, 10 राइड ये कर चुके हैं ऑलरेडी और जिसमें यहाँ पे 4.5 की रेटिंग इनको मिली हुई है। फिर यहाँ पे देखिए ये एप्लीकेशन जब आप अपना प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो आपसे और भी डिटेल मांगेगा। मतलब ये नहीं है कि आपकी राइड किसी भी बंदे के साथ नहीं जोड़ देगा, कि जिस बंदे का कोई अता पता नहीं है और बाद में आपके साथ फ्रॉड हो जाए या ठगी हो जाए,
इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। उस चीज़ को कैसे सिक्योर किया गया है वो चीज़ भी आप यहाँ पे देखें। तो ये तो हमने देख लिया कि राइड अगर आप किसी के साथ जाना चाहते हैं तो आप कैसे जाएंगे। ओके, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे आप अपने राइड पे फिल्टर भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फिल्टर का ऑप्शन है, और जो कम टाइम में आपको ले जाए या फिर 12 बजे से पहले ले जाए, उसके बाद लेके जाए, मैक्सिमम कितने लोग जाने चाहिए, ये सारा चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, गाड़ी कौन सी आप लगाना चाहते हैं, ये सारा यहाँ पे फिल्टर लगा के भी आप यहाँ पे प्रोफाइल्स को स्कैन कर सकते हैं। वैसे भी देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने अवेलेबल हैं। ओके, और इनमें से जिनके भी साथ जाएँ, जो भी मतलब आपका पॉकेट अलाउ करे जितना पैसा खर्च करना, उनके साथ आप जा सकते हैं, उस गाड़ी में जा सकते हैं। अब ये तो हो गया राइड का ऑप्शन, अब मैं आपको दिखाता हूँ पब्लिश का ऑप्शन। देखिए इसके बाद हमें एक पब्लिश का ऑप्शन मिलता है, और पब्लिश में ये है कि जब आप अपनी गाड़ी से लेके जाएंगे किसी को, ओके आपके पास गाड़ी है, आप चाहते हैं यहाँ पे ऐड पोस्ट करना, जैसे बाकी लोगों ने अभी हमने देखा कि पोस्ट किया हुआ था, तो आपको यहाँ पे आना है। ओके, पिकअप पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना लोकेशन ऐड कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे करंट लोकेशन पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये लोकेशन हमारा बिल्कुल यहाँ से इजेक्ट उठा लेगा, और जो बाकी लोग रहेंगे उनके सामने दिखा देगा कि कहाँ से आप उनको पिक करना चाहते हो। या फिर आप चाहें तो यहाँ पे लोकेशन करंट मतलब सेट भी कर सकते हो कि आप फलाने चौक से या फलाने जगह से मतलब लोगों को पिक करना चाहते हो, तो वही चीज़ यहाँ पर एड्रेस मतलब सेव हो जाएगा, और वहीं से मतलब सबको यही दिखाएगा कि यहाँ से आप फलाने जगह पर जाना चाहते हो, और इस तरीके से यहाँ पर ऐड पोस्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन वो कब होगा वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आके और ये चीज़ आप कर लें। उसके बाद आ गया यूअर राइट्स, मतलब आप कब कब कहाँ कहाँ किसके साथ गए थे, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिखा देगा। फिलहाल मैंने अभी कोई राइड इसमें नहीं करी है, तो सारा यहाँ पे ब्लैंक है। इसके बाद इनबॉक्स, मतलब जिनके साथ भी आप जाना चाहते हैं उनसे जो भी आप चाहें यहाँ पर चैट करना, तो वो चैट भी आप कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर मिल जाता है तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया इतना सारा डिटेल। अब देखिए यहाँ पे प्रोफाइल का लास्ट ऑप्शन जो दिखा रहा है, यहाँ पे क्या है कि जब भी आप मतलब यहाँ पे जैसे आपके पास गाड़ी है, आप चाहते हैं यहाँ पे ऐड पोस्ट करना, जो मैंने आपको पब्लिश वाले ऑप्शन में बताया था, तो यहाँ पे आके पहले ये सारा बायोडाटा आपको फिल करना पड़ेगा, पूरा आपको प्रोफाइल अपना क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे ऊपर पहले आपको लिखना पड़ेगा कि आपको मतलब अपने बारे में थोड़ा सा बायोडाटा लिखना पड़ेगा, जैसे डेट ऑफ बर्थ, मेल, फीमेल, या फिर आपका नाम क्या है, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। ईमेल आईडी, ओके, और इसके बाद जैसे मोबाइल नंबर, ये सारा आपको यहाँ पे सेव करना पड़ेगा प्रोफाइल में। उसके बाद ऐड माय प्रेफरेंसेस, तो ये भी आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें मतलब होनी चाहिए। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ लोग हैं जैसे म्यूज़िक नहीं सुनना चाहते हैं, या एनिमल्स लेके जाना चाहते हैं, नहीं लेके जाना चाहते हैं, या फिर चैट मतलब जाते टाइम आप बात करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, स्मोकिंग करते हैं कि नहीं, ये चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक वेरीफाई करना पड़ेगा अपना आईडी कार्ड। आईडी कार्ड में आप अपना वोटर कार्ड या आधार कार्ड आप यहाँ पे, या जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, कुछ भी आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये चीज़ आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। उसके बाद ऐड अ कार, मतलब आपके पास कार कौन सी है और किस कलर की है, वो सारा बायोडाटा भी आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद आ जाएगा सी माई पब्लिक प्रोफाइल, मतलब यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो आपका पब्लिक प्रोफाइल दिखाना शुरू कर देगा। अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा दिखाएगा कि आपकी रेटिंग कितनी हुई है, आप पासवर्ड वगैरह कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, एड्रेस आप चेंज करना चाहते हैं, तो सारा डिटेल आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ओके, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी ये राइड कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद जो भी बंदा आपके साथ जा रहा है, मान लो आप यहाँ पे किसी कार वाले के साथ जा रहे हो, तो उनको पेमेंट आप ऑनलाइन या जैसे गूगल पे, पेटीएम, या फिर आप चाहें तो कैश भी, मतलब किसी भी मोड से आप पेमेंट वहाँ पे कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर मतलब आप गाड़ी वाले हैं, तो आपको भी जो बंदा जा रहा है आपके साथ किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकता है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा क्लियर चीज़ यहाँ पे आपके सामने आ जाता है। ओके, तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि बुलाबुला एप्लीकेशन के बारे में आपको सारी डिटेल मिल चुकी है, और आप समझ चुके हैं कि कैसे आपको अपना, अगर आप अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं तो कैसे आपको ऐड पोस्ट करना है, और किसी की गाड़ी के साथ जाना चाहते हैं तो कैसे आपको बुक करना है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो नीचे कमेंट करके आप जरूर पूछें, उसका भी आपको रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखें, धन्यवाद।